हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बुरी मौत नसीब हुई ना मैडम, तो इस कंपनी की नींव थी, पता नहीं अब आगे इस कंपनी को कौन संभालेगा। समझ में नहीं आ रहा है कि कोई उनका खून क्यों करेगा। क्या बात है फ्रेड, परेशान दिख रहे हो। सर ये राधिका है, मेरी पत्नी स्मिता की बॉस। क्या, तुम्हारी वाइफ ड्राइव ट्रेडिंग कंपनी में काम करती थी? हाँ सर, मगर कहीं दिखाई नहीं दे रही है, समझ भी नहीं आ रहा कहाँ गई। फोन कर लो। कर रहा हूँ सर, मगर उठा नहीं रही है। ठीक है, बाद में देखते हैं। सर इसकी पीठ में तो काफी घाव है, किसी नोकीली चीज से बार बार वार किया गया है। फोन किसने किया था? जी मैंने किया था। क्या नाम है आपका? जी रमेश, मैं यहाँ पर पार्किंग अटेंडेंट हूँ। सबसे पहले लाश आपने देखी और हमें फोन किया? जी साहब। जब आपने लाश देखी थी तो यहाँ आसपास किसी और आदमी को देखा था, खड़े हुए या फिर भागते हुए? नहीं साहब। अच्छा, मैडम को पार्किंग में आते हुए देखा था? हाँ साहब, रात के करीब 1:15 बजे देखा था, वो बहुत घबराई हुई थी साहब। घबराई हुई थी, क्यों, कोई पीछा कर रहा था उनका? ये तो मालूम नहीं साहब, पर मैंने मैडम को अपनी गाड़ी की तरफ आते हुए देखा था, और उसके बाद मैं अपने कैबिन में चला गया, और सुबह 5 बजे जब आके देखा तो तुम केबिन में थे, और यहाँ मैडम का खून हुआ तो तुम्हें पता नहीं चला, इनकी चीख की आवाज नहीं सुनाई पड़ी तुम्हें? दरअसल मैं कैबिन में सो गया था साहब। वही टाइम मिला था तुम्हें सोने का, तुम्हारे सोने की वजह से खूनी अपना काम करके चला गया यहाँ से। माफ कीजिए साहब। आप सब लोग इस कंपनी में काम करते हैं? जी सर, हम सभी लोग राधिका मैडम की कंपनी पे काम करते हैं, और ये सब देखकर हमें बड़ा दुख हुआ। तो आप में से कितने लोग हैं जो कल देर रात तक यहाँ पे काम कर रहे थे? सर ये गौतम, विजय, मितेश और निशा कल देर रात तक काम करते रहे। तो मितेश जी क्या कर रहे थे इतनी देर रात को आप यहाँ पे? सर मैं निशा, गौतम और विजय राधिका मैम के साथ ही कुछ जरूरी कागजात बना रहे थे सर। सब साथ में ही काम कर रहे थे? यस सर। लेकिन सर मैं थोड़ा पहले निकल गया था, मेरी बेटी को मलेरिया हुआ है सर, यहीं त्रिवेणी हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। ओ, त्रिवेणी हॉस्पिटल। यस सर। मितेश जी आपके पास हॉस्पिटल की कोई रिसीट, कोई बिल वगैरह है क्या? हाँ है ना सर, ये रहे सर। थैंक यू, ध्यान रखिए अपनी बेटी का। थैंक यू सर। गौतम जी आप? मैं भी राधिका मैडम से पहले ही निकल गया था, भूख लगी थी तो पास के रेस्टोरेंट में खाना खाने चला गया था। इतनी रात तक रेस्टोरेंट खुले रहते हैं क्या? कुछ रेस्टोरेंट खुले रहते हैं सर। हाँ मेरे पास रेस्टोरेंट का बिल भी है सर, ये लीजिए सर। इसी दिन इस रेस्टोरेंट में जाके हम लोग भी खाना खाएंगे। सर स्मिता अभी भी फोन नहीं उठा रही है, मुझे बड़ी घबराहट हो रही है। अभी भी फोन नहीं उठा रही? नहीं सर। क्या आप स्मिता के पति हैं? हाँ मैं ही उनका पति हूँ फ्रेडी। तो फिर आपको तो ये मालूम ही होगा कि आज वो ऑफिस क्यों नहीं आई। क्या स्मिता ऑफिस आई ही नहीं? नहीं। ये ऐसे कैसे हो सकता है सर, मुझसे पहले स्मिता ऑफिस जाने के लिए निकल चुकी थी। सर लिफ्ट के पास से ये रुमाल मिला है, किसी लड़की का लगता है। सर ये तो स्मिता का रुमाल है। स्मिता का रुमाल, इसका मतलब स्मिता आज ऑफिस आई है। ये हो क्या रहा है? ऊपर चल के देखना पड़ेगा। सचिन लाश को फोरेंसिक लैब भिजवा दो। सर आइए आप लोग। सर नीचे राधिका की लाश पड़ी है, लिफ्ट के पास ये स्मिता का रुमाल मिला है, पर स्मिता कहीं दिख नहीं रही है सर, कहाँ गई होगी? ऑफिस अच्छी तरीके से चेक कर लो फ्रेडी। यस सर। निशा जी आप कब निकली थी ऑफिस से? सर मैं तो 11:30 बजे यहाँ से निकल गई थी और सीधा घर चली गई थी, और विजय ने ही मुझे घर ड्रॉप किया था। स्मिता
अच्छा, तो आप दोनों साथ में गए थे? जी सर, हम दोनों साथ ही गए थे। आप लोग बता सकते हैं कि ये राधिका मैडम किस बात से परेशान थी? सर, ऐसे वक्त पे ऐसी बातें करना अच्छा तो नहीं लगता है, पर वो छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाती थी और हमें डांट देती थी। स्मिता, स्मिता, एक बात बताइए, जब आप लोग यहाँ से घर जा रहे थे तो ऑफिस के आसपास किसी अनजान आदमी को देखा आप लोगों ने, जो अजीब लग रहा हो या कोई अजीब हरकत कर रहा हो? सर, इतनी देर रात तक सिर्फ हमारे ही ऑफिस में काम होता है इस पूरे बिल्डिंग में, और कल शनिवार का दिन था और बाकी के ऑफिस के लोग छुट्टी पे थे। सर, राधिका का केबिन? कोई बिजनेस राइवल, बिजनेस में कोई ऐसा दुश्मन हो जो इस हद तक जा सकता है? कॉम्पिटिशन तो हर क्षेत्र में होता है, लेकिन ऐसा कोई नहीं था जो उनका कट्टर दुश्मन हो। घर में कोई दुश्मन? उनका तो कोई परिवार था ही नहीं, उनके माता पिता तो पहले ही गुजर गए थे और वो अकेली रहती थी। ऑफिस में किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो हाल ही में? जी सर, एक दिन पहले राधिका मैम की स्मिता के साथ थोड़ी सी बहस हुई थी। स्मिता के साथ? किस बात पे बहस हुई थी, आपको मालूम है? सर, ये तो मुझे मालूम नहीं, स्मिता ने बताया नहीं और मैंने पूछा भी नहीं। एक दिन पहले बहस हुई और आज राधिका का खून? सर, स्मिता ऑफिस में कहीं भी नहीं है। कहीं भी नहीं? नहीं सर। सर, ये टर्मिनेशन लेटर मिला है सर, राधिका के टेबल पर। सर, लेकिन इस पे तो किसी का नाम नहीं लिखा है। आप लोगों को मालूम है कि राधिका मैडम किसी को नौकरी से निकालने वाली थी? इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं मालूम। अब पता कैसे चलेगा सर, ये टर्मिनेशन लेटर राधिका ने किसके लिए तैयार किया था? एक काम करते हैं, राधिका मैडम का कंप्यूटर चेक करते हैं। सर, देखना सर। सर, पासवर्ड क्या है? पर्पल भाई सर। और ईमेल आईडी क्या है? radhikathrive@tmail.com @tmail.com सर, ये टर्मिनेशन लेटर तो स्मिता के नाम पे लिखा गया है। स्मिता? फ्रेडी, स्मिता ने इसके बारे में तुम्हें कुछ बताया था? नहीं सर। और जो राधिका के साथ बहस हुई थी? राधिका के साथ स्मिता की बहस हुई थी? कल हुई थी, इन लोगों ने बताया। नहीं सर, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया उसने। सर, ये क्या चक्कर है सर? फ्रेडी, देखो, राधिका के लैपटॉप में स्मिता का टर्मिनेशन लेटर, कल उनका आपस में बहस होना और लिफ्ट के पास स्मिता का रुमाल मिलना और राधिका की मौत के बाद स्मिता का गायब होना। सर, आप कहना क्या चाहते हो? फिलहाल तो अभी मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ फ्रेडी, लेकिन तुम समझ रहे हो ना? हाँ, मैं समझ रहा हूँ। अरे, स्मिता की स्कूटी तो यहीं पे ऑफिस के पार्किंग लॉन में स्कूटी नहीं थी, इसका मतलब स्मिता वापस घर आ गई होगी। अगर वो घर में है तो फिर उसका रुमाल वहाँ लिफ्ट के पास कैसे मिला? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ सर। चलो घर में देख लेते हैं, पता चल जाएगा। हाँ सर। अरे, यहाँ पे तो ताला लगा है। ऐसा कैसे हो सकता है सर, स्मिता की स्कूटी तो नीचे खड़ी है सर, और स्मिता बिना अपनी स्कूटी के कहीं जाती ही नहीं है। तो फिर स्मिता कहाँ चली गई, यहाँ पे तो ताला लगा हुआ। देखो यार, बहस करने से कोई फायदा नहीं है, तुम्हारे पास डुप्लीकेट चाबी है ना? हाँ सर है। खोलो इसे, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। स्मिता, यहाँ तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। स्मिता, सर मैं तो पागल हो जाऊंगा सर। घर को अच्छी तरीके से चेक कर लेते हैं। हाँ। स्मिता, खून? अलमारी के ऊपर से टपक रहा है, कहीं ये खून स्मिता का तो नहीं है? स्मिता, स्मिता, कौन सी सनी चाबी?
रेडी, ये चाबी देखो, ये तुम्हारे घर की? नहीं सर, ये चाबी मेरे घर की नहीं है। अच्छा, तो फिर ये चाबी तुम्हारे घर के अलमारी के ऊपर कैसे पहुंची? मुझे नहीं मालूम सर, ये चाबी मेरी अलमारी के ऊपर कैसे पहुंची? फ्रेडी, हो सकता है ये स्मिता लेके आई हो। इसके ऊपर से उंगलियों के निशान मिल जाएंगे और खून की जांच भी करनी है। हमें तुम्हारे घर से स्मिता की कुछ चीजें उठानी पड़ेंगी। सर आप, अरे यार, फिंगरप्रिंटिंग के लिए, डीएनए टेस्ट के लिए। सर आप ये क्या कह रहे हो सर? फ्रेडी, रूटीन इंक्वायरी है, सच्चाई का पता तो लगाना ही पड़ेगा ना। मैं जानता हूं तुम्हें बहुत धक्का लगा है, लेकिन तुम ही सोचो, लिफ्ट के पास से स्मिता का रुमाल मिलना, तुम्हारे घर की अलमारी के ऊपर ये खून से सनी हुई चाबी, अभी तक स्मिता का कुछ पता नहीं चल रहा है, ये बातें तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रही? हाँ सर, अजीब तो लग रही है। सर, ये खून से सनी हुई कैंची मिली है। कहाँ से मिली? तुम्हारी बालकनी में जो हैंगिंग फ्लावर पॉट है ना, ये कैंची उसमें से मिली है। राधिका के पीठ पे जो नुकीले घाव थे, कहीं इस कैंची से तो नहीं है? हाँ सर, लगता है राधिका पे वार इसी हथियार से किया गया है सर। फ्रेडी, आप लोग ये क्या कह रहे हो सर? सर आप जानते हो स्मिता को, आप मिले हो ना उससे, आपको लगता है कि स्मिता ऐसी घिनौनी हरकत कर सकती है? देखो फ्रेडी, इस चाबी के ऊपर जो खून है और कैंची के ऊपर जो खून है, इसकी जांच कर लेते हैं, सच्चाई सामने आ जाएगी। सालूम के साहब, एक आप ही हो जो हकीकत को सबके सामने लाके मेरी पत्नी स्मिता को निर्दोष साबित कर सकते हो। सर मेरी मदद करो सर। फ्रेडी, मेरा तो काम ही यही है, सीआईडी के सामने सच लाना, फिर चाहे वो सच कितना भी कड़वा क्यों ना हो। मैं जानता हूँ सर, मगर फिर भी। और सच्चाई ये है फ्रेडी, के इस कैंची पर और इस चाबी पर लगा हुआ खून राधिका के डीएनए से मैच करता है। मगर उन पर जो उंगलियों के निशान हैं, उनका क्या सालूंगी? वो किसके उंगलियों के निशान है सालूंगी? सरंखे, मैंने तुमसे पूछा वो उंगलियों के निशान किसके हैं? यार प्रद्युमन, क्यों तुम मुझसे ऐसे सवाल पूछते हो हमेशा? क्यों मुझे हमेशा ऐसे कठिन सवालों के जवाब देने के लिए कहते हो? हमेशा मुझे कटघरे में खड़ा कर देते हो सच बोलने के लिए यार? क्योंकि मुझे सच सुनने की आदत है सरंखे। बताओ किसकी उंगलियों के निशान है? सड़ूंगे, उसी की उंगलियों के निशान है जिसका ये हेयर ब्रश है, स्मिता के। सालूम के साहब, मुझे पूरा भरोसा था कि कम से कम आप तो मेरी पत्नी को निर्दोष साबित करने के लिए मेरी मदद करेंगे, लेकिन आपने तो उल्टा और भी फंसा दिया उसे। फ्रेडी सर, ये कैसी बातें कर रहे हैं? सालूम के साहब जानबूझ के स्मिता जी को क्यों फंसाएंगे? वो तो बस वही बोल रहे हैं ना जो ये सारे सबूत बता रहे। सबूत चाहे जो भी कहे, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरी पत्नी स्मिता निर्दोष है। मैं फिर से थ्राइव ट्रेडिंग कंपनी में जाऊंगा, शायद वहां पे कोई ऐसे सबूत मिल जाए जिससे ये पता चले कि मेरी पत्नी निर्दोष है। सचिन, काम करो, तुम और अभिजीत वो चाबी लेकर जाओ और पता लगाओ कि क्या वो चाबी थ्राइव ट्रेडिंग कंपनी की है या नहीं। सर आप लोग फिर से यहाँ? खूनी का पता लग गया है? अभी तक तो नहीं पता चला, लेकिन तहकीकात अभी जारी है। आप जरा ये चाबी देखिए, इसे पहचानते हैं आप? हाँ सर, ये चाबी तो हमारे ऑफिस की तिजोरी की है। तिजोरी की चाबी? जी सर, पर चाबी तो सिर्फ राधिका मैडम के पास ही रहती है। और ये तिजोरी किस केबिन में? राधिका मैडम के केबिन में। राधिका मैडम के, चलो राधिका मैडम का केबिन भी चेक कर लेते हैं। ये तिजोरी है? जी सर। अरे तिजोरी तो खाली है। मतलब सिर्फ राधिका का खून नहीं हुआ यहाँ पे, यहाँ पे चोरी भी हुई है। मैं साहब, इस तिजोरी में क्या क्या रहता था? सर इस तिजोरी में राधिका मैडम के जरूरी कागजात रहते थे। और क्या था? सर और कंपनी के बॉन्ड और सारा कैश रहता था। मुझे तो विश्वास भी नहीं हो रहा है सर, सब चोरी हो गया। विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा मैनेजर साहब। जिस तिजोरी की चाबी सिर्फ राधिका मैडम के पास रहती थी, उस तिजोरी के अंदर क्या क्या है ये आपको कैसे मालूम?
सर कभी कभी मैडम मुझसे तिजोरी में डॉक्यूमेंट निकालने और रखने के लिए कहती थी, इसलिए मुझे पता था। सर आप मुझ पर तो शक नहीं कर रहे? हाँ, कुछ कहना है आपको? सर इसका मतलब स्मिता ने पहले यहाँ पे चोरी की और उसके बाद पार्किंग लॉट में राधिका का खून किया। आप सीधे सीधे मेरी वाइफ पे इल्जाम लगा रहे हो? फ्रेडी, मैं सिर्फ वही कह रहा हूँ जो सबूत कह रहे हैं। सर स्मिता ऐसा नहीं कर सकती सर, मैं जानता हूँ उसे, उसे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। उम्मीद करता हूँ फ्रेडी केस के आखिर में तुम्हारी बात सच निकले, तब तक सारे सबूत स्मिता की तरफ इशारा कर रहे हैं। पहले खून और अब चोरी। सर लगता है कि स्मिता जी पहले से ही पार्किंग लॉट में राधिका का इंतजार कर रही थी और जैसे ही राधिका पार्किंग लॉट में आई, स्मिता जी ने उस कैंची से पीछे से हमला किया उनके ऊपर। और फिर राधिका के कैबिन में घुसकर उसके तिजोरी में से पैसे, जरूरी कागजात और बॉन्ड्स लेकर घर चली गई और फिर घर के नीचे अपनी स्कूटी पार्क करके वहां से गायब हो गई। मगर सर ऑफिस की बिल्डिंग में किसी ने भी स्मिता को वहां आते जाते देखा नहीं। लेकिन सर सारे के सारे सबूत तो स्मिता जी की तरफ इशारा कर रहे हैं। सर स्मिता निर्दोष है सर। फ्रेडी अगर स्मिता निर्दोष है तो फिर वो गायब क्यों हो गई? मैं कह रहा हूं ना सर, कोई उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि किसी ने स्मिता को अगवा किया और फिर उसे फंसाने के लिए उसके खिलाफ सारे सबूत डाल दिए ताकि हमें लगे कि स्मिता खूनी है? हाँ सर ऐसा ही हुआ सर। ऐसा नहीं है फ्रेडी, सारे सबूत स्मिता के खिलाफ है, स्मिता के खिलाफ, समझे? मुझे लगता है कि एक बार फ्रेडी की बातों पे गौर करके देख लेते हैं। नहीं अभिजीत, मैं कहीं सुनी पन्नी आंखों देखी पर विश्वास करता हूं और सारे सबूत यही कहते हैं कि स्मिता गुनहगार है। दया और निखिल स्मिता का फोन ट्रेस कर रहे हैं, बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि स्मिता है कहां। फ्रेडी पर क्या बीत रही है मैं समझ सकता हूं, पर स्मिता का बर्ताव कुछ समझ में नहीं आया। सर फ्रेडी सर ने स्मिता जी से कभी ना कभी तो मिलवाया होगा ना आपको? तभी तो ताज्जुब हो रहा है मुझे कि स्मिता जैसी सीधी साधी लड़की खून कैसे कर सकती है। सर सर उसका फोन बाएं उड़ चुका है। बाएं? हाँ सर। लगता है स्मिता शहर छोड़ के भागने की कोशिश कर रही है, उसे पता चल गया है कि सीआईडी उसके पीछे लगी है। हाँ सर हो सकता है। सर सर उसका फोन दाएं मुड़ चुका है। वो शहर छोड़ के भाग रही है, शहर की सीमा इस जगह से ज्यादा दूर नहीं है, उसे जल्द से जल्द पकड़ना होगा। देखो फ्रेडी, जो कुछ भी हुआ है तुम्हारे घर से जाने के बाद हुआ है, कुछ ही घंटों में खूनी अपनी चाल चल गया। मगर सर वो स्मिता को राधिका के खून के चक्कर में क्यों फंसा रहा है? होगा कोई दुश्मन तुम्हारा या फिर स्मिता का, राधिका के खून के इल्जाम में उसे फंसा के तुमसे बदला लेना चाहता होगा। हो सकता है सर। एक काम करते हैं, जो जो सबूत हमें मिले हैं स्मिता के खिलाफ पहले वो जगह चेक करते हैं। सबसे पहले आपको अलमारी के ऊपर से खून से सनी हुई चाबी मिली थी सर। फ्रेडी स्मिता जी की हाइट तो कितनी होगी? 5 फुट 1 इंच। मतलब वो चाबी अलमारी के ऊपर रखने के लिए उन्हें किसी बड़े स्टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मगर सर उसे तो वर्टिगो है ना। वही मैं भी सोच रहा हूँ फ्रेडी, तुमने बताया था स्मिता जी को ऊंचाई से डर लगता है, चक्कर आने लगते हैं, घबराहट होने लगती है। हाँ सर, यहाँ तक कि बाहर बालकनी में जो हैंगिंग पॉट है जिसमें से हमें वो खून से सनी हुई कैंची मिली थी उसमें भी रोज पानी मुझे डालना पड़ता है, उसे तो बालकनी से नीचे देखते चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। ये काम स्मिता का नहीं है, कोई और है जो तुम्हारे और स्मिता के घर में ना रहने के बाद यहाँ पर आया और ये सारी चीजें रख के भाग गया। फिर कैसे? घर का दरवाजा चेक करते हैं। दरवाजा तो बिल्कुल सही सलामत है, जबरदस्ती अंदर घुसने का कोई निशान नहीं है। मगर सर वो खून से सनी हुई चाबी और कैंची मेरे घर में आई कहां से? मुझे लगता है फ्रेडी डुप्लीकेट चाबी से घर का दरवाजा खोला गया है। मैं तो अपनी चाबी संभाल के रखता हूँ सर। मैं तुम्हारी चाबी की नहीं,
मैं स्मिता की चाबी की बात कर रहा हूँ। स्मिता? ये जो कुछ भी हुआ है जल्दी जल्दी में हुआ है। स्मिता भी सुबह से ही गायब है। कोनी के पास ज्यादा वक्त नहीं होगा। इसका मतलब उसने वो डुप्लीकेट चाबी तुम्हारे घर के आसपास से ही कहीं से बनवाई होगी। तुम्हारे घर के आसपास कोई चाबी बनाने वाला है? हाँ सर है। चलो पकड़ते हैं उसे। सर हम इस स्मिता के मोबाइल के काफी करीब है। काफी करीब है? हाँ सर। कहीं स्मिता इस बस में तो नहीं? सर हो सकता है। इस बस को रोक के देखते हैं। बस रोक, बस रोको। क्या हुआ साहब? आप लोग कौन हैं? और इस तरह से बस क्यों रोका? CID? कुछ और बताना जरूरी है। क्या हुआ साहब? इस बस में बम वम है क्या? सबको नीचे उतरने के लिए बोलूं? नहीं, निकल, अंदर जाओ और देखो स्मिता कहाँ बैठी है। उसे बाहर लेके आओ, संभाल के। ये बस कहां से आ रही है? सर बस में स्मिता जी नहीं है। अंदर नहीं है? नहीं सर। ऐसे कैसे हो सकता है? तो फिर वो मोबाइल इस बस में कैसे दिखा रहा है? सर हो सकता है स्मिता जी बस से उतरने से पहले मोबाइल यहीं पे छोड़ गई हैं। जरा देखो, चेक करो। सर स्मिता जी का मोबाइल फोन मिल गया। साइलेंट मोड पे था इसलिए बजते वक्त सुनाई नहीं दिया। मोबाइल किसका है पहचानते हो? मुझे कैसे याद होगा साहब, आए दिन बस में लोग कुछ ना कुछ भूलते ही रहते हैं। अच्छा वहाँ आखिरी सीट पे कौन बैठा था? वहाँ? हाँ वहाँ एक औरत बैठी थी साहब, और उसने पुणे का टिकट लिया था। कहाँ गई वो? पता नहीं, अचानक उसे क्या हुआ बीच रास्ते में उतर गई। ये औरत वही है साहब। चेहरा ठीक से याद नहीं, उसने काला चश्मा पहना था और चेहरे को कपड़े से ढक के रखा था। जरा इस फोटो को देखो, इस औरत को यहाँ बस में देखा है? ध्यान से देखिए। नहीं सर, हमने इसे किसी ने नहीं देखा। क्या करें सर? ये मोबाइल लेके चलते हैं, शायद इसी से सुराग मिल जाए। अरे सुनो। जी साहब। किस इलाके में तुम्हें चाबी बनाते हो? जी हाँ, मैं ही बनाता हूँ साहब। क्यों साहब, आप लोगों को चाबी बनवानी है? नहीं, पूछताछ करनी है। आप लोग पुलिस वाले हैं? CID। CID? इंस्पेक्टर फ्रेडी के घर की डुप्लीकेट चाबी तूने बनाई है? मैंने नहीं बनाई, और भी यहाँ चाबी वाले हैं, शायद उन लोगों ने बनाया होगा। सच बोल वरना। नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। चाबी तो बनाई गई है, मामला बहुत सीरियस है, सच सच बता दे वरना उठा के ले जाऊंगा तुझे, समझा? एक आदमी है साहब, वही काम कर सकता है। कौन है वो? छोटू नाम है उसका। जी हाँ साहब, वो पैसों के लिए अपना ईमान धर्म सब कुछ बेच सकता है। कहाँ मिलेगा ये छोटू? इसी लाइन में आगे उनकी दुकान है साहब। सर मैंने स्मिता जी के मोबाइल फोन का कॉल लॉक चेक किया था। ज्यादा से ज्यादा फोन फ्रेडी को किए गए, और कुछ फोन उन्होंने अपने ऑफिस में भी किए थे। अच्छा, और कुछ नहीं मिला? और तो कुछ नहीं मिला सर। बस आसान के कुछ मिला? हाँ बस, मैंने स्मिता का मोबाइल अच्छी तरह से चेक किया है। इस मोबाइल पर मुझे ड्रग्स मिली है। व्हाट? ड्रग्स मिले स्मिता के मोबाइल में? और ये कोई मामूली ड्रग्स नहीं, हेरोइन है, एक खास किस्म की हेरोइन। खास किस्म की हेरोइन? स्मिता ड्रग्स? ये तो क्या कह रहा है साणुखे, ये कैसे हो सकता है? तो क्या स्मिता ड्रग्स ले रही थी? पर ये बात सर फ्रेडी को मालूम नहीं होगी। पर सचिन, हम कितनी बार स्मिता से मिले, मुझे कभी ऐसे नहीं लगा कि स्मिता ड्रग्स लेती है। ना सर, वैसे भी ड्रग्स लेने वालों को तो चेहरे से ही पता चल जाता है। सचिन देखो, फोन करो उससे, कहो कि जितने जल्दी हो सके इस खास किस्म के हेरोइन के बारे में पता लगाए कि हेरोइन कौन बेचता है और कहां बेचता है।
शंभू। आ जाओ एक एक हाथ हो जाए। रानी थी सयानी, देखे चकमा सबको याद दिला दिनानी। राजा जब वहां थी तो क्या करेगा साथी, इसीलिए गुलाम नजर के सामने से गायब हो गया। नजर के सामने से गायब हो गया है, लेकिन फिर भी सब पे नजर रखे हुए साहब। आप हुक्म तो करो। हमें हीरोइन के बारे में जानना है। हीरोइन? हीरोइन नहीं, हीरोइन की बात कर रहे हैं, वो भी खास किस्म की। ये देखो, बड़ा तगड़ा माल पकड़ा है साहब। वैसे ये हीरोइन बॉलीवुड की नहीं, हॉलीवुड की है। मतलब ये माल इस देश में नहीं बना है, विदेश से आया है। और यहाँ ये माल किसके पास मिल सकता है? एक ही इक्का है इस महफिल का, जो रहता है अपनी मस्ती में मगन, नाम है उसका गगन। सर कहीं ये वही गगन तो नहीं है जिसकी तलाश नारकोटिक्स डिपार्टमेंट कर रही है? हाँ, ये वही होगा, इंटरनेशनल लेवल पे ड्रग्स की डीलिंग करता है, ऊंचे ऊंचे लोग इसके क्लाइंट्स हैं। इस सिक्के को हमारे कब्जे में कैसे लाया जाए? इस सिक्के के कई वजीर हैं साहब। कोई एक वजीर जो हमारे काम आ सके? एक वजीर जो अभी है यहाँ हाजिर, हो रहा रघु। हमारा जैकपॉट लगा तो तुम्हें मिलेंगे इनाम में 3 इक्के। छोटू, इंस्पेक्टर फ्रेडी के घर की डुप्लीकेट चाबी क्यों बनाई तूने? कौन सी चाबी साहब, कौन फ्रेडी? टेक नौटंकी बनकर, वरना ये हाथ तेरे ना दोबारा चाबी बनाने लायक नहीं रहेंगे, समझा? आप लोग पढ़े लिखे और बड़े लोग हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम छोटे और गरीब लोगों को आप डराएंगे और धमकाएंगे। बोल वरना काल कोठरी में डाल दूंगा तुझे, और ऐसा ताला लगाऊंगा जिसकी डुप्लीकेट चाबी दुनिया में कहीं नहीं बनेगी। सड़ सड़ के मर जाएगा तू, समझे? अजीब मुसीबत में फंस गया हूँ मैं तो। चाबी ना बनाओ तो वो लोग मारने की धमकी देते हैं, और आप लोगों को जवाब देने से मना कर रहा हूँ तो आप लोग मुझे मार रहे हैं। तो फिर बता कौन था वो जिसने चाबी बनवाई है? एक औरत थी साहब, नाम नहीं पता। उसका चेहरा देखा होगा ना, हुलिया कैसा था? चेहरा भी ठीक से याद नहीं है साहब। ये फोटो ठीक से देखो, ये औरत थी? नहीं साहब, ये नहीं थी। देखा ना सर, मैं कह रहा था स्मिता निर्दोष है। क्या कहा क्या था उस औरत ने? उसने पहले जान से मारने की धमकी दी साहब, और फिर लालच दिया। लालच? कैसा लालच? पैसों का लालच साहब। उसने बोला मार्केट के बगल वाले पेड़ के नीचे चाबी लिफाफे में रखकर चले जाना ठीक 2 बजे, और वहाँ से पैसे लेकर निकल जाना। फिर क्या साहब, मैंने चाबी वहीं पर रख दी लिफाफे में और पैसे लेकर चला आया। सोचा झंझट खत्म हुई, लेकिन मैं तो और भी मुसीबत में फंस गया हूँ साहब। वो जो पैसे थे वो वहाँ पे खुले पड़े थे या किसी कागज वगैरह में थे? साहब लिफाफे में दिए थे। वो है तेरे पास? हाँ है ना साहब, एक मिनट, ये रहा साहब। रेडी, कस्टडी में ले लो इसको। नहीं साहब, मुझे माफ कर दो साहब, मैंने तो आपको सब कुछ सच सच बता तो दिया है साहब। तुमने एक अपराधी की मदद की है खून करने में, समझे? सर स्मिता का क्या होगा? उसका भी पता चल जाएगा फ्रेडी, इस लिफाफे से। प्रभु, कौन गगन सर? कौन गगन? स्मिता को तो जानता है ना, कहाँ छुपा के रखा उसे? कौन स्मिता? कौन स्मिता? सीधी तरीके से बताता या नहीं? गगन कहाँ छुपा है मुझे कुछ नहीं पता। तू ऐसे नहीं मानेगा। हाँ? गगन को खुद नहीं पता वो सुबह कहाँ रहता है, शाम को कहाँ रहता है, वो किसी को कुछ नहीं बताता। सर चल। यहाँ पे तो औरत की लाश है। कौन है ये? क्यों मारा इसे? मुझे नहीं पता, मैं तो छुपने आता हूँ, मैंने नहीं मारा इसे। हाँ सर, गगन ने इसे मारा होगा। गगन ने? हाँ सर, कहीं ये स्मिता जी तो नहीं है? स्मिता? इस औरत का चेहरा इतनी बुरी तरह से बिगाड़ दिया गया है, कुछ कह नहीं सकते, हो भी सकते और नहीं भी। हमें इस गगन को किसी भी हालत में ढूंढना चाहिए, किसी भी हालत में। रही बात उस लाश की जो दया को मिली है, उस औरत की लाश, समझ में नहीं आ रहा है वो लाश स्मिता की है या नहीं। लेकिन सर ये पता कैसे चलेगा? सर के बताएगा, वो लगा है उस काम के पीछे। सर
रेड्डी के घर की डुप्लीकेट चाबी बनवाई थी एक औरत ने, छोटू चाबी वाले से, उसको अरेस्ट कर लिया है। इसका मतलब है स्मिता हो ही नहीं सकती। स्मिता अपने घर की डुप्लीकेट चाबी क्यों बनवाएगी? हाँ, स्मिता जी की फोटो दिखाई थी उसे, उसने बताया ये वो नहीं है। उस औरत ने जिस लिफाफे में रख के उसे पैसे दिए थे, जरा वो लिफाफा देखिए सर। थ्राइव ट्रेडिंग कंपनी, ये तो राधिका की कंपनी का नाम है। थ्राइव ट्रेडिंग कंपनी, तो फिर अभिजीत, इसका एक ही मतलब हो सकता है कि ये सारी साजिश इस थ्राइव ट्रेडिंग कंपनी के किसी आदमी की है। हम बेचारे स्मिता पर शक कर रहे थे। मैं कह रहा था ना सर, स्मिता निर्दोष है। पता है स्मिता निर्दोष है, लेकिन अभिजीत, कैसा? दया को एक लाश मिली है, एक औरत की लाश। औरत की लाश? फ्रेडी चुप रहो, उसका चेहरा बुरी तरह से तहस नहस हुआ है। डर सिर्फ इस बात का है कि कहीं ये लाश स्मिता की ना हो। सर ये आप क्या कह रहे हो सर? हे भगवान! फ्रेडी, फ्रेडी, फ्रेडी संभालो, फ्रेडी, फ्रेडी संभालो, संभालो अपने आप। ज्यादा हमदर्दी जताने की जरूरत नहीं है, मिल गया ना आपको मेरी स्मिता की बेगुनाही का सबूत। आप लोग सोच रहे थे ना स्मिता गुनहगार है, अब तो न जाने वो जिंदा भी है या नहीं। जिंदा है फ्रेडी। बस वो लाश स्मिता की नहीं है। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र। लाश स्मिता की नहीं है तो फिर किसकी है सानुखी? निशा की। निशा? हाँ निशा, थ्राइव ट्रेडिंग कंपनी के एम्प्लॉय निशा। बॉस, निशा के फिंगरप्रिंट्स उस लाश के फिंगरप्रिंट के साथ मैच करते हैं। निशा तो वही है ना जो स्मिता जी और राधिका के झगड़े के बारे में कुछ बता रही थी। और सर ऑफिस वाले बता रहे थे कि निशा ऑफिस में कम, इस थ्राइव ट्रेडिंग कंपनी के गोडाउन में ज्यादा रहती थी। गोडाउन में? हाँ सर, वहीं की इंचार्ज थी वो। गोडाउन की इंचार्ज निशा, और फिर उसके फिंगरप्रिंट्स उस डेड बॉडी के फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच करते हैं। तो फिर अभिजीत, इस केस का सारा राज इस थ्राइव ट्रेडिंग कंपनी के गोडाउन में छुपा हुआ है। थ्राइव ट्रेडिंग कंपनी का गोडाउन। सुनिए सुनिए, आप लोग कौन है, कैसे अंदर चले आ रहे हैं, घुसे आ रहे हैं? सीआईडी से हम लोग। सीआईडी? ये सारा का सारा माल गैर कानूनी है ना? यहाँ पे कोई गैर कानूनी काम नहीं होता साहब, यहाँ सिर्फ थ्राइव ट्रेडिंग कंपनी का माल आता है, वो साबुन और वो टेलकॉम पाउडर वगैरह। टेलकॉम पाउडर या ड्रग्स का पाउडर? ड्रग्स की हेराफेरी होती है यहाँ। ड्रग्स? ये एक नामी कंपनी है, राधिका मैडम अपना नाम क्यों बदनाम करवाएंगे साहब? आओ बेचारी राधिका मैडम, उसको मालूम ही नहीं था उसके पीठ के पीछे ये सब क्या चल रहा है, और जैसे उसे पता चला तुम लोगों ने मिलकर उसे मार डाला। सर इन सारे कार्टन्स में ड्रग छुपा के रखा होगा। बस तोड़ दो सारे बॉक्सेस, देखो कितना ड्रग्स मिलता है। साहब सुनिए, चुपचाप उधर खड़ा रहे, जाओ उधर कोने में। ये देखिए सर, ड्रग्स के पैकेट। क्या ये? क्या ये? साहब इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है साहब। सर, सर यहाँ नेल पॉलिश के कार्टन में भी ड्रग्स छुपाए गए। चलो सर। हाँ। अंदर भी सारे कार्टून का ड्रग्स मिले। इतना सारा? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। बताओ बताओ ये सारा माल कहाँ से आता है, और माल कब आने वाला है इधर, बताओ जल्दी। साहब आज ही आने वाला है, रिंग रोड वाले गोडाउन से। रिंग रोड वाला गोडाउन? मगर सर मेरी स्मिता। घबराओ मत फ्रेडी, स्मिता भी वही मिलेगी रिंग रोड वाले गोडाउन में। रिंग रोड वाला गोडाउन। सर आपको क्या लगता है इन सब के पीछे कौन हो सकता है? सर मेरे ख्याल में जहां तक राधिका के खूनी का सवाल है, उसके ऑफिस में जो लोग काम करते हैं उनका कहना है कि राधिका का आए दिन किसी न किसी के साथ झगड़ा होता रहता था, उनमें से कोई भी राधिका का खूनी हो सकता है। हाँ हो सकता है, लेकिन रजत ये निशा का खून, राधिका का खून और फ्रेडी की बीवी स्मिता के मोबाइल पर जो ड्रग्स मिले, इन तीनों चीजों का आपस में कोई ना कोई संबंध है। क्या कहा आपने सर, स्मिता के मोबाइल पे ड्रग्स? हाँ फ्रेडी, उसके मोबाइल पर हमें ड्रग के ट्रेसेस मिले हैं। सर ऐसा कैसे हो सकता है सर, स्मिता तो सिगरेट और शराब से सख्त नफरत करती है सर, ड्रग्स लेना तो बहुत दूर की बात है। फ्रेडी पता है हमें स्मिता ऐसी लेडी नहीं है, इसीलिए तो। हाँ थोड़ा शक हुआ था जब ड्रग्स मिले थे,
सर कहीं ऐसा तो नहीं कि स्मिता को कोई जबरदस्ती ड्रग्स खिला रहा हो? कुछ नहीं होगा स्मिता को, हमने कहा ना स्मिता को हम कुछ नहीं होने देंगे, घबराओ मत। एक मिनट राजा रुको, अभी ये सारे सवाल, ये सारे राज इस शारदा फैक्ट्री के गेट के अंदर रिंग रोड वाला गोदाम है वहीं पर खुल जाएंगे। गाड़ी बंद करो और तुम लोग तैयार रहना। वो देखो लगता है ड्रग्स का नया कंसाइनमेंट आ गया, माल अंदर लेके जा रहा है। ये हरी शर्ट पहना हुआ जो आदमी है ना, हाँ ये विजय, विजय विजय कौन विजय? सर ये राधिका के ऑफिस में काम करता है सर, जब हम लोग वहाँ पे इंक्वायरी करने गए थे ना मैंने देखा इसे। विजय राधिका के ऑफिस में थ्राइव ट्रेडिंग में काम करता है? मतलब रजत मेरा शक सही था, इस सारे के पीछे थ्राइव ट्रेडिंग कंपनी के किसी आदमी का काम है। पूरा गगन, जय और गगन एक ही जगह पर, इसका मतलब ये दोनों मिले हुए हैं इस कारस्थान में। दो खून राधिका और निशा का और स्मिता के मोबाइल पर मिले हुए ड्रग्स में दोनों भी है, इनको तो एक एक करके लेते हैं। रुक जाओ, पता स्मिता का है? कहाँ स्मिता? चल पता स्मिता का है? कहाँ स्मिता? स्मिता अंदर है। प्रीति जल्दी जाओ, इनसे तो हम नहीं। स्मिता, 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 स्मिता। तुम ये नशीले ड्रग्स, ये खास किस्म की हेरोइन हमारे देश में लाते थे ना, दूसरे देशों से क्यों? हाँ बेचारे राधिका के अच्छे खासे धंधे के पीछे तुम्हारा ये काला धंधा चलता था। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र, मुझे तो लगा था कि उन लोगों ने तुम्हें फ्रेडी अगर थोड़ी देर और कर देते ना तो वो लोग मुझे मार डालते। फ्रेडी, अरे ऐसे कैसे मार डालते? मैं हूं ना, तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होने देता, समझी? बस बस रहने दो। अरे सच कह रहा हूं, तुम्हारी वजह से मैं कितना परेशान था मालूम है? सब झूठ, सब झूठ। अरे बिल्कुल सच है स्मिता, सच कह रहा हूं मैं, तुम्हारा फ्रेडी सच कह रहा है स्मिता। मैं फैक्ट्री के माल में हीरोइन के पैकेट स्मगल किया करता था, पहले तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, फिर एक दिन राधिका को पता चल गया और उसने छानबीन शुरू कर दी। और फिर एक दिन विजय मुझे पता चल चुका है कि तुम मेरी कंपनी में क्या गुल खिला रहे हो। मैं कुछ समझा नहीं मैडम। तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि मैं क्या कह रही हूँ। नहीं मैडम, मुझे सच में नहीं मालूम कि आप किस बारे में बात कर रही हैं। ड्रग्स, मैं ड्रग्स के बारे में बात कर रही हूँ। ड्रग्स,
हाँ ड्रग्स, तुम मेरी कंपनी के कार्टन्स में ड्रग्स स्मगल कर रहे हो। मैडम ये आप क्या कह रही हैं? मैं भला ड्रग्स की स्मगलिंग क्यों करूंगा? आपको कुछ गलत फहमी हुई है मैडम। नहीं मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई। रुको ये बताओ ये क्या है? बोलो बोलो। ये आपको कहां से मिला? मैंने अपनी कंपनी का गोडाउन चेक किया था और कार्टन्स के नीचे मुझे ये पैकेट्स मिले। मैडम ये आपने अच्छा नहीं किया है। मैं वही करूंगी जो मुझे ठीक लगेगा। मैडम अच्छा यही होगा कि आप इसके बारे में किसी और से बात ना करें, वरना 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 क्या? वरना ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा मैडम। ओ अब तुम मुझे धमकी दे रहे हो अपनी बॉस को। अब तुम देखना तुम्हारे साथ क्या होता है। ये अब आप देखना मैडम कि आपका अंजाम क्या होने वाला है। बेचारी राधिका को तुमने मार डाला। क्यों? मैं घबरा गया था, मेरे पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए मैंने उसे भी मार दिया। एक बात पूछूं? पूछो। ये तुम मेरे सामने ही ऑफिस जाने के लिए निकली थी ना? निकली तो थी लेकिन मुझे वो रास्ते में मेरी सहेली निशा मिल गई। वो निशा है ना? हाँ। उसने मुझसे कहा कि कॉफी पीने के लिए चलते हैं फिर ऑफिस जाएंगे, पर वो कॉफी पीते ही मेरे सर में दर्द शुरू हो गया फ्रेडी। फिर क्या? फिर उसने मुझे मेरी स्कूटी पर घर छोड़ा और बिल्डिंग के नीचे स्कूटी लगा दी और कहने लगी कि ऑफिस के लिए देर हो रही है और वो चली गई फ्रेडी। अरे फिर? और फिर मैं बेहोश हो गई फ्रेडी, और जब मेरी आंख खुली तब मैं यहाँ थी। स्मिता ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? बताओ क्या बिगाड़ा था उसने? मैं जानता था कि स्मिता सीआईडी ऑफिसर फ्रेडी की पत्नी है, अगर मैं उसे किडनैप कर लूंगा तो बवाल हो जाएगा और सबका ध्यान स्मिता की तरफ चला जाएगा। और बेचारी स्मिता बेवजह तुम्हारे साजिश की शिकार बन गई। हाँ। मनीषा वो तो तुम्हारी दोस्त थी ना, उसे क्यों मारा तुमने? वो घबरा के आप लोगों को सब कुछ बताने वाली थी इसलिए मुझे उसे भी मारना पड़ा। पूरा ना माने तो एक बात पूछूं मैं? पूछो। तुम्हारे मोबाइल पे हमें ड्रग्स के ट्रेसेस मिले स्मिता। ड्रग्स? तुम ड्रग्स लेती हो? ये क्या कह रहे हो तुम फ्रेडी? अरे ऐसे ही पूछ लिया स्मिता। फ्रेडी वो जरूर मेरी सहेली निशा की होंगी, वही ड्रग्स लेती है, वही मेरा मोबाइल भी ले गई थी फ्रेडी। तुम गगन तुम्हें क्या लगा हैं? जिंदगी भर आजाद घूमोगे? भूल गए तुम सीआईडी की चंगुल से कोई नहीं बच सकता, समझे? फांसी के लिए तैयार रहना, समझे? और विजय तुम पैसों के लालच में तुमने दो दो मासूम जाने ली, दो दो मासूम जाने। ड्रग्स लाए इस देश में, तुम्हें तो फांसी होकर ही रहेगी। चलो अब घर चलते। मालूम है स्मिता मैंने दो दिन से खाना भी नहीं खाया है। बर्तन धोए? बर्तन? स्मिता तू भी ना कभी सुधरेगी नहीं। चलो चलो अब घर चलते हैं। चलो। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।